क्या होता है? तीन दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिवजी को चढ़ाने से। तीन दोष, पहला पितृ दोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा काल सर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृ दोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, अंडा होता है, वो पितरों का स्थान है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका काल सर्प दोष समाप्त। काल सर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में काल सर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिवजी पर अगर एक लोटा पानी, जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल सर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए। अलग और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हुआ आप उसको उसमें समर्पित कर। जैसे